अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स सिंटैक्स एंड वी विल रीड सिंटैटिक प्रोसेस इन आर टुडेज लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि सिंटैक्स क्या है, हाउ कैन यू डिफाइन दिस। सो द डेफिनेशन इज सिंटैक्स इज द वर्ड सिंटैक्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स ऑर्डरिंग टुगेदर। ऑर्डरिंग टुगेदर लाइक सीक्वेंस क्रिएट करना, तरतीब से बनाना। It is a study of sentence building of the way in which words are arranged together in order to make a larger unit. And what is larger unit? Larger unit means a complete phrase, complete sentence and complete word which makes sense. जिसमें कोई मीनिंग हमें पता चलते हैं, मतलब पता चलता है। तो ये बेसिकली फिर क्या है? It's grammar of sentences. ठीक है, या इसको कहते हैं कि ये सिंटैक्स है। और आगे अब हमने पढ़ना है सिंटैटिक प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है। सिंपली आगे यहाँ पे थोड़ा सा और डिफाइन इसे किया हुआ है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट सिंटैक्स इज अ ग्रामर ऑफ सेंटेंसेज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। साइंस मीन्स कि इसको हमने इन एंड आउट्स को अच्छे से स्टडी करना होता है कि वर्ड्स की फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से हम कर रहे हैं और कंप्लीट सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो कैसे इन्वॉल्व होती हैं, कैसे उनको ऐड किया जाता है, कैसे उनको सेपरेट किया जाता है, कैसे एक्सपेल किया जाता है, ये सारा कुछ इसमें देखा जाता है। इट टेल्स अस हाउ द सेंटेंस हैव बीन फॉर्म्ड बाय यूजिंग वेरियस मॉर्फीम्स। मॉर्फीम जो है ये वैसे हमारा एक अलग टॉपिक है कम्प्लीट, तो ये फिर उसमें हम डिटेल में करेंगे। तो सिंपल फिर आगे जो इसकी आप डेफिनेशन प्रॉपर लिख सकते हैं वो यही है कि द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंटैक्स। इट इज़ द ग्रामर ऑफ वर्ड्स। आगे हम पढ़ेंगे सिंटैक्टिक प्रोसेस, या फिर इसको सिंटैक्टिक फार्मूला भी कहा जाता है। देर आर सम ऑफ द मेजर सिंटैक्टिक प्रोसेस सच एज, नंबर वन पे है डिसकॉन्टिन्यूअस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहा जाता है पार्ट्स को, हिस्सों को, और डिसकॉन्टिन्यूअस जो कि इररेगुलरिटी में होते हैं, बेतरतीबी में होते हैं। रिकरियन जो है वो रिपीटेशन की तरह ही है, अगेन एंड अगेन रीअकर होना। कंजाइनिंग मीन्स ज्वाइनिंग से ये निकला है, ज्वाइन करना, like इसमें टू सेंटेंसेज जो होते हैं वो एक दूसरे को कैसे ज्वाइन करते हैं। एम्बेडिंग मीन इंसर्टिंग, कि एक सेंटेंस हमारे पास ऑलरेडी है और कंप्लीट सेंटेंस जो है उस को किस तरह से उसमें एम्बेड किया जा सकता है, उसके अंदर ऐड किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑन देम वन बाय वन। नंबर वन, डिसकंटीन्यूअस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। The constituent of a sentence which are not used in proper sense, rather they are used separately, not unitedly, they are called discontinuous constituents. यानी कि जो उसमें इरेगुलरिटी होती है, जिसमें कोई बेतरतीबी होती है, वो उन पार्ट्स को हमने देखना है कि कैसे वो जो है ना एक दूसरे से उनको फिर सेपरेट किया जा सकता है, या एक की जगह दूसरे के साथ चेंज की जा सकती है, उनके अल्टरनेट्स जो होते हैं वो कैसे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल ये है कि ही पुल्ड द थीव डाउन, सिंपल एक एग्जांपल हमारे पास आ गई। अब अगर हम इसको ये देखें, पुल्ड और डाउन, इसको एक दूसरे के साथ हमने ज्वाइन किया हुआ है। यानी अगर हम डाउन को पुल्ड के साथ ले आते हैं, यहां से रिमूव करके इसके पार्ट को, इस कॉन्स्टिट्यूएंट को हम पुल्ड के साथ ले गए, तो ही पुल्ड डाउन द थीव, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन यह है कि बेतरतीबी होगी। बेतरतीबी किस तरह से, इनके मीनिंग्स जो है या सेंस जो है वो हमारे पास उस सेंटेंस का कंप्लीट ही आ रहा है, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं अपनी जगह से अगर हम उनको, उनके ऑर्डर को चेंज भी कर देते हैं तो फिर भी उसके मीनिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर जैसे सिंपल ही पुल्ड डाउन द थीव, He pulled the thief down, यानी कि दोनों तरह से जो है ये सेम मीनिंग्स में आ रहा है। इसी तरह आप एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि he had taken the table away। अब यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसका, यानी away, इसको मैं अगर यहाँ से उठा के तो ज्वाइन कर दूँ इसके साथ, taken के साथ, he had taken away the table, तो दोनों में फिर हमारे पास जो है सेंस वही आया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एक इररेगुलर फॉर्म में चला गया। यानी कि वो अपनी जगह चेंज भी कर सकता है,
यानी ये इरेगुलरिटी यही होती है कि जब वो सेंटेंस जो है ना वो अपनी जगह से चेंजेबल हो जाता है। एक तो आप इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, सेकंड आपको जो नेक्स्ट पिक्चर है आपके पास एक ट्रायंगल की तरह ये ऐसा इमेज भी आप बनाएंगे, यानी ही पुल्ड द थीव डाउन। तो पुल्ड के साथ जो है ना यहाँ पे एरो ये मेंशन करें कि डाउन को यहाँ पे हम लेके आ सकते हैं तो भी वही चीज़ रहेगी, मीनिंग वही रहेगा, और अगर यहाँ से रिमूव करके हम डाउन को एंड पे ले जाते हैं तब भी उसके मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो दिस इज द लिंकेज बिटवीन पुल्ड एंड डाउन एंड विद दिस ऑल सेंटेंस। तो ये हो गई इसकी डिसकंटिन्यूएशन। सेकेंड है रिकरेंट। रिकरेंट में सिंपल ये एक एग्जांपल देखें, एन पी मीन्स नाउन फ्रेज को कहते हैं, एस शो करता है सेंटेंस को, तो सेंटेंस में नाउन्स होते हैं मोस्टली, तो हर नाउन को अलग करते जाने यानी कि उससे दोबारा क्रिएट कर लेना उसको या फिर सेपरेट कर देना एक सेंटेंस से, तो ये नाउन फ्रेज होता है। जैसे डेफिनेशन में देखें, इट मीन्स रीअक्रेंस लाइक अगेन एंड अगेन रिपीट होना। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूएंट दैट हैज़ बीन रीरिटन बाय बीइंग यूज्ड टू द लेफ्ट ऑफ द रीराइटिंग इज यूज्ड इन द सम और इन द लेटर रूल टू द राइट ऑफ रीराइटिंग सिंबल। रीराइटिंग यानी एनपी को देखें, जैसे नाउन फ्रेज को अगेन एंड अगेन रिपीट किया गया है, द रूल्स टेक ऑन अ प्रॉपर्टी आर कॉल्ड रिकरियन। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लेफ्ट रिकरियन, यानी लेफ्ट हैंड साइड रिकरियन भी होती है और राइट हैंड साइड भी। अगर नेक्स्ट पेज पे राइट हैंड साइड है उसमें ए इज इंडिकेटिंग ऑक्सिलरी निकाली जाती है इसमें, और एक्स जो है वो रिमेनिंग स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। इसके बाद कंजाइनिंग आता है, कंजाइनिंग कॉम्बिनेशन। कंजाइनिंग मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लॉज यानी सेंटेंस को कहते हैं, और जो कोऑर्डिनेट या सब कोऑर्डिनेट क्लॉज या फ्रेज होता है वो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिमिलर एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल राजा एंड मुजाहिद एंड शकीला विल कम। इट कैन बी प्रजेंटेड इन टू वेज। इसको भी आप टू टाइम्स डायग्राम बना के तो डिफाइन कर सकते हैं इन टू वेज। एक ट्राइंगल यहाँ पर देखें कि राजा एंड मुजाहिद एंड शकीला विल कम। अब विल और कम जो है ये इसमें एक और फर्दर एक ट्राइंगल है, यानी विल और कम हमेशा एक साथ प्रेजेंट होंगे। शकीला का क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है वो एंड के साथ भी हो रहा है, वो डायरेक्ट राजा के साथ भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो ट्राइंगल क्रिएट की गई है वो इस तरह से है कि राजा एंड शकीला, यानी यहाँ पे ये शकीला टू राजा ये एक ट्राइंगल बन जाती है। इट इज़ शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन दिस बोथ वर्ड्स, शकीला और राजा। और एंड को भी अगर कर लिया जाए तो अगर यानी बाकी यहाँ से हम मिड वाला एंड मुजाहिद को रिमूव भी करते हैं, इस पूरी ट्रायंगल को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, तो भी एंड और शकीला और राजा इनका आपस में जो रिलेशन आ रहा है यहाँ पे वर्ड्स का वो मेंटेन रहेगा। इसी तरह एंड मुजाहिद है, एंड और मुजाहिद ये एक अलग ट्रायंगल है, लेकिन मुजाहिद जो है वो क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन शकीला के साथ नहीं है, इसका कॉम्बिनेशन राजा के साथ हो रहा है, तो ये एक ट्राइंगल में हम डिफरेंट ट्राइंगल्स बना रहे हैं जो, तो ये होती है कंजॉइनिंग, यानी कि एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं मुख्तलिफ वर्ड्स। इसी तरह से एक दोबारा एक इसी ट्राइंगल को थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव बना के रिप्रेजेंट किया गया है कि राजा आर मुजाहिद एंड शकीला विल प्रेजेंटली कम, यानी कि विल प्रेजेंटली कम। प्रेजेंटली जो है ये हमने इसमें एडिशन किया कि प्रेजेंटली मीन्स इट्स कन्फर्म, एंड यहाँ पे जो हमने और लगाया है राजा और मुजाहिद, यानी कि अब और जब हमने लगा दिया तो शकीला एंड राजा का तो कॉम्बिनेशन था, लेकिन और लगाने के बाद मुजाहिद एंड शकीला हो गया, तो इसलिए शकीला एंड मुजाहिद का जो पहले एंड की वजह से राजा एंड मुजाहिद की वजह से आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था वो फिर इस सेंस में बन गया। तो यहाँ पर फिर फर्दर हमारे पास जो है वो कई ट्राइंगल्स डिवेल्प हो जाती हैं।
Similarly, larger units, sentences are also conjoined. For example, Anila played badminton and Asghar played tennis and Shakil went fishing and Neeli went on teasing them. तो ये लर्निंग प्रोसेस में ही जो है ना सिंथेटिक प्रोसेस ये काम आता है कि जो लार्जर यूनिट्स होते हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं इनटू स्मॉलर यूनिट्स और उनकी डिवीजन जो है उसको हम ट्राइंगल से शो कर सकते हैं. उसके बाद एम्बेडिंग है. एम्बेडिंग जैसे कि इंसर्ट करना, ऐड करना. एम्बेडिंग मीन्स टू मिंगल या मर्ज समथिंग, मिक्सअप कर देना. इट जनरली अकर्स इन द इज़ वेयर द सबऑर्डिनेट क्लाज इज सेड टू बी एम्बेडेड इन द मेन क्लाज. यानी कि अब जो पूरा सेंटेंस, इसमें टू सेंटेंसेज होते हैं. एक सेंटेंस वो जो हम ऐड करते हैं और उस ऐड किए हुए सेंटेंस को अगर हम रिमूव भी कर दें तो अपना जो सेंस पहले सेंटेंस दे रहा था वो उस मीनिंग को कंटिन्यू रखे, यानी कि अपना सेंस देता रहे. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखें, द टाइगर दैट किल्ड 3 men वरीड द पीपल. अब इस सेंटेंस में एम्बेडिंग क्या है कि अगर हम That killed 3 men इस पूरे फ्रेज को यहाँ से पिक कर लें, उठा लें, बाकी हमारे पास क्या बचता है, द टाइगर वरीड द मैन, कि टाइगर ने मैन या पीपल, वरीड द पीपल करेंगे बल्कि यहाँ पे, कि टाइगर ने इन लोगों को परेशान किया हुआ है. अब दूसरा जो फ्रेज है वो हम यहाँ पे एरो जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम इसको एम्बेंड कर सकते हैं. दैट किल्ड 3 men जिसने कि 3 आदमियों को मारा भी हुआ है. सो दिस इज एम्बेडिंग. इसकी आप फर्दर जो है वो एक दो और एग्जाम्पल यहाँ पे बना सकते हैं ताकि वो डायग्राम्स, क्योंकि इसमें डायग्राम्स के थ्रू आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना हर चीज़ को, इस सिंथेटिक फार्मूला को या फिर इस प्रोसेस को, तो उसमें फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप डायग्रामेटिकली डिफाइन करेंगे, प्रूव करेंगे ये सारे जो भी आप आंसर्स कर रहे हैं या जिस भी टॉपिक को डिफाइन कर रहे हैं. तो ये याद रखिएगा, जो पहले इससे हमने क्वेश्चंस पढ़े थे वो थ्रेटिकल थे, यानी कि उसमें थीरी से भी काम चल जाता था. बस छोटी मोटी आप कुछ जो है वो एरोज वगैरह बना के अगर डायग्राम या चार्ट बना के रिप्रेजेंट कर दें तो वो ठीक रहता है. लेकिन ये सिंटैक्स जो है ये ऐसे टॉपिक्स में से है जिसमें कि आप सिर्फ थीरी पे बेस नहीं कर सकते, आपको डायग्राम्स बनानी पड़ती हैं. आगे मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें डायग्राम्स जो होंगे वो मस्ट होंगे, तो डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर लीजिएगा. एग्जांपल्स जो होंगे वो आप खुद से भी मज़ीद इसमें ले सकते हैं हर एक टॉपिक के.